मैं हूं ज्योति अग्रवाल, लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड 2016, सेलेक्टेड कैंडिडेट एंड पटवारी एंड ग्राम सेवक, ऑल्सो सेलेक्टेड कैंडिडेट। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ मैं कैसे आ रही, तो मैं आप लोगों को बता दूं, श्री समृद्धि क्लासेस ने आज मुझे मौका दिया है आप लोगों तक आने का, आप लोगों तक अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करने का। श्री समृद्धि क्लासेस की ऑनर किरण मैम और मैं दोनों ही नहीं चाहते हैं कि 2016 में मैंने जो प्रॉब्लम फेस की, हम कैंडिडेट ने जो प्रॉब्लम फेस की, वही प्रॉब्लम आप लोग यानी 2019 के कैंडिडेट भी फेस करें। मुझे पता है आप लोगों के एग्ज़ाम में काफ़ी गैप आ गया है। पहले आप लोगों की एग्ज़ाम की डेट नहीं आई, फिर डेट आई तो कैंसिल हो गई, फिर आप लोगों को सडनली पता लगा कि अब वापस से फॉर्म रीओपन होंगे, तो आप लोगों का घबराना एकदम जायज़ है। आप लोगों को लग रहा होगा कि अब तो हमारा कॉम्पिटिशन और बढ़ जाएगा, पर दोस्तों आप लोग एकदम रिलैक्स हो जाइए। आप लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं है, फॉर्म रीओपन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, आप लोगों को कोई मतलब नहीं है कि आप कैंडिडेट बढ़ जाएंगे। आप लोग को सिर्फ एक पोस्ट चाहिए अपने लिए, आपका रोल नंबर जब रिजल्ट आए तो उस लिस्ट में आना चाहिए। जब RSM SSB पे आप लोगों का रिजल्ट आएगा तो उसके अंदर जब हम यहाँ सर्च करेंगे तो आप लोगों का रोल नंबर होना चाहिए। किरण मैम और मैं दोनों चाहते हैं कि श्री समृद्धि क्लासेस से जुड़े हुए कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट हो। हम लोगों ने कई कोशिशें की हैं, पर हम लोगों ने नोटिस किया है कि आप लोगों की तरफ से हमें 100% नहीं मिल पा रहा है। हमने काफ़ी मटेरियल भी प्रोवाइड करवा दिया आपको, यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस भी काफ़ी लग रही है आपकी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लग रही है, उसके बावजूद भी आप लोग हमें 100% नहीं दे रहे हो। क्यों दोस्तों? जब हम लोग हमारा आपको पूरा 100% दे रहे हैं तो आप लोगों का भी फर्ज है कि आप लोग हमें भी पूरा दें। आपकी और हमारी और आपकी दोनों की मेहनत मिलके ही यहाँ पे आप लोगों का रोल नंबर लाएगी। यहाँ पे रोल नंबर लाने का सिर्फ एक ही तरीका है, पढ़िए, या ऑफलाइन क्लासेस लग रही है उससे ज्वाइन कीजिए। ऑनलाइन क्लासेस भी मैम जल्दी ही चालू करवा देंगी, आज ही मेरी उनसे बात हुई है, और यहाँ टेस्ट सीरीज लग रही है, आप पढ़िए और टेस्ट दीजिए, तभी आपको पता लग पाएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो आज हम लोग सेक्टर संख्या 10 सॉल्व करेंगे, इससे पहले 9 तक आपको पवन सर और विनीता मैम ने सॉल्व करवा दिया है, आज 10 मैं करवाऊंगी। अगर आप लोगों को पसंद आए, आप लोग चाहें कि मैं आगे भी आऊं, अपनी नॉलेज शेयर करूं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए कि मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर आऊं। बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आप लोगों को पता लगे कि हम नया वीडियो कब अपलोड कर रहे हैं, ठीक है? अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके हमें बताइए ताकि हम उसका सॉल्यूशन कर पाएँ। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए सेट संख्या 10 सॉल्व करते हैं। चलिए आप लोग अपना PDF ऑन कर लीजिए, आपको PDF प्रोवाइड करवा दिया गया होगा अस्तित्व ऐप पे। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पुस्तकालय सेवाओं के आधुनिकीकरण हेतु डॉक्टर एन शेषाद्री की अध्यक्षता में कार्यकारी दल की स्थापना की गई थी। डॉक्टर एन शेषाद्री की अध्यक्षता में कार्यकारी दल की स्थापना कौन सी योजना में की गई थी? तो देखिए, पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना क्या होती है पहले हम वो समझते हैं, फिर हम क्वेश्चन दोबारा रीड आउट करेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा था। योजना आयोग था, एक आयोग था योजना आयोग, उसने भारत के विकास के लिए देखा कि मैं भारत का विकास किस तरह कर सकता हूँ, तो उसने क्या डिसाइड किया, उसने हर पांच साल में एक योजना चलाई। किसने? योजना आयोग ने। दोस्तों एक और क्वेश्चन इसमें बन सकता है आपका, योजना आयोग का नाम अभी क्या है? योजना आयोग का एट द टाइम आयोग है नीति आयोग, इसका नाम चेंज कर दिया था और क्या रख दिया था? नीति आयोग। पर जब पंचवर्षीय योजना बनी थी स्टार्टिंग में 1951 में फर्स्ट पंचवर्षीय योजना बनी थी, तब योजना आयोग ही नहीं ही बनाई थी। तो योजना आयोग ने भारत के विकास के लिए क्या डिसाइड किया कि हर पांच साल में एक योजना चलाई जाएगी। उस योजना में क्या होगा कि एक दर डिसाइड की जाएगी कि हमें पाँच साल में इतनी दर प्राप्त करनी है, इतनी इकोनॉमिक्स होनी चाहिए हमारी, और बहुत सारी चीज़ सकल घरेलू उत्पाद इतना होना चाहिए। बाय चांस अगर पाँच साल में वो टारगेट पूरा नहीं हो पाता है तो फिर हम क्या करते हैं? तो योजना आयोग ने बोला कि ठीक है, अगर आपका पाँच साल में आपका टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा है तो नेक्स्ट ईयर का आप क्या बोल दीजिए, जो नेक्स्ट ईयर आएगा उसको आप बोल दीजिए वार्षिक योजना। वार्षिक मतलब एक साल की योजना, या फिर दो साल आगे बढ़ सकती है, कंटिन्यू वार्षिक योजनाएं आ सकती हैं, या योजना अवकाश। मतलब हमने क्या किया, पंचवर्षीय योजना को अवकाश दे दिया।
क्योंकि हमारा 5 साल का टारगेट पूरा नहीं हो पाया था, उस टारगेट को पूरा करने के लिए हम नेक्स्ट ईयर हमने योजना अवकाश दे दिया कि हम आपको 1 साल और देते हैं उस टारगेट को पूरा करने के लिए। तो अब तक कितनी 12 पंचवर्षीय योजनाएं आ चुकी हैं और 3 वार्षिक योजना मतलब योजना अवकाश आ चुकी है। उद्योग प्रचार अधिकारी के पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन आया था कि अब तक कितनी वार्षिक योजनाएं आ चुकी हैं, अब तक 3 वार्षिक योजनाएं आ चुकी हैं। कब कब आई है मैं आपको वो डेट भी बता देती हूँ, 1966 से 69, 1979 से 80 और 1990 से 92। आप लोग एक कॉपी पेन साथ में रखिए ताकि जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताऊं आप लोग उसे लिख सके। आप लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और इन सबको लिखिए क्योंकि ये क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं, किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1990 से 1992 तक कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि 1990 से 1992 तक तो कोई पंचवर्षीय योजना आई नहीं, इस टाइम तो क्या था वार्षिक अवकाश यानी योजना अवकाश। तो ये तीनों ईयर आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि पुस्तकालय सेवाओं के आधुनिकरण हेतु डॉक्टर एन शेषाद्री की अध्यक्षता में कार्यकारी दल की स्थापना की गई थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना, बी द्वितीय योजना, सी पंचम योजना, डी सातवीं योजना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी सातवीं योजना। सेवंथ पंचवर्षीय योजना में डॉक्टर एन शेषाद्री की अध्यक्षता में कार्यकारी की दल की स्थापना की गई थी और इसका उद्देश्य क्या था, पुस्तकालय के क्षेत्र में इसका उद्देश्य था पुस्तकालय का आधुनिकरण करना। मतलब आधुनिकरण मतलब नई नई सेवाएं लाना, रेफरेंस सेवा लाना या अदर कोई भी जो जगह जगह पुस्तकालय खोलना, पुस्तकालय के महत्व को बढ़ावा देना, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया सातवीं योजना। दोस्तों इसमें एक और ऑप्शन है सी पंचम योजना, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, पंचम योजना क्यों इम्पोर्टेंट है, एक तो ये किसकी अध्यक्षता में आई थी, डीपी धर जी की अध्यक्षता में आई थी पंचम योजना। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर क्या आया था, रोलिंग प्लान। इसके अंदर रोलिंग प्लान आया था। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रोलिंग प्लान कौन सी योजना में आया था, तो वो आया था पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। आप लिख लीजिए इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो गया, डी सातवीं योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनएमएल। मेरी राइटिंग हैंड राइटिंग थोड़ी सी लो है, अगर आप लोगों को समझ नहीं आए तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दोबारा समझा दूंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं अपन। एनएमएल को किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया, एनएमएल पहले एनएमएल की फुल फॉर्म देख लेते हैं अपन। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज, नाम से पता लग रहा है इसका क्या उद्देश्य होगा, लाइब्रेरीज में एक नेशनल मिशन चलाना, राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा मिशन चलाना जिससे हमारा लाइब्रेरी का स्तर काफी बढ़ सके, लाइब्रेरी शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। तो क्वेश्चन क्या था, एनएमएल को किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया, 12वीं योजना, 11वीं योजना, 10वीं योजना और 9वीं योजना। तो इसका आंसर देखो, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर मैं आपको आंसर समझाती हूँ। एनएमएल क्या था, दो तरह से आया था, लागू हुआ था ये 11वीं योजना में और चला था ये 12वीं योजना में, मतलब बना दिया था इसको 12वीं योजना में पर ये रूटीन में नहीं आया था। रूटीन में कब आया था, ये 12वीं योजना में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन की हर एक लाइन पढ़िए, एग्जाम में आपको क्या करना है, आपको ऑफलाइन पेपर होगा तो आप क्या कीजिए, पेन से मार्क कर लेना। जैसे क्वेश्चन आया एनएमएल को किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया, तो किसको आपको करना है, शुरू किया गया, इसने क्या पूछा, शुरू किया गया, लागू हुआ, चला, क्या पूछा इसने, इसने पूछा है शुरू किया गया। तो कब शुरू किया गया था, ये 12वीं में, क्योंकि ये लागू हुआ था 11वीं में पर रूटीन में नहीं हुआ था। शुरू कब हुआ था, 12वीं पंचवर्षीय योजना में। और 12वीं पंचवर्षीय योजना कब आई थी, 2012 से 2017 के बीच में, 2012 से 17 के बीच में 12वीं पंचवर्षीय योजना आई थी। तो एनएमएल कब आया था, एनएमएल आया था 3 फरवरी 2014 मिस्टर प्रणव मुखर्जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। 3 फरवरी 2014 को एनएमएल आया था और इसका उद्घाटन किया गया था मिस्टर प्रणव मुखर्जी के द्वारा।
तो क्वेश्चन क्या था, मैंने आपको बताया ना कि आप लोग पेन लेना, आपका ऑफलाइन पेपर होगा और मार्क कर देना, जैसे कभी आपको क्वेश्चन पूछे कि इनमें से कौन सा नहीं है तो आप नहीं पे मार्क कर देना, क्योंकि हम क्या करते हैं जल्दी जल्दी में, क्या करते हैं हे वाला क्वेश्चन कर देते हैं कि इनमें से कौन सा है, हम उस नहीं को भूल जाते हैं। तो मार्क करने से क्या होगा कि हमें याद रहेगा। तो इसमें आपने मार्क कर दिया कि शुरू, शुरू पूछा इसने, लागू नहीं पूछा, तो आंसर क्या हो जाएगा 12वीं योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में प्रथम पीएचडी की डिग्री कब और किसको प्रदान की गई थी। पीएचडी डिग्री ऑफ फेलोशिपी, डॉक्टर ऑफ फेलोशिपी कब होती है डॉक्टर ऑफ फेलोशिपी। हम पहले लाइब्रेरी में बैचलर डिग्री करते हैं, लाइब्रेरी में मास्टर डिग्री करते हैं, देन हम एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, अगर वो एंट्रेंस एग्जाम क्रैक हो जाता है तो हम पीएचडी के लिए अप्लाई कर देते हैं, वो खैर बाद का प्रोसेस है। फिलहाल हमारा टारगेट लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड 2016 है। ठीक है, क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पीएचडी की डिग्री कब और किसको प्रदान की गई। तो ये क्वेश्चन तो आप याद कर ही लीजिए क्योंकि बहुत ईजी है, डायरेक्ट आंसर आपको डायरेक्ट मार्क्स मिलेंगे, अदर ऑप्शन पढ़ने नहीं है, रट लीजिए इस क्वेश्चन को। 1957 में डॉक्टर डी बी कृष्णा राव को, किसको, डी बी कृष्णा राव, डी बी कृष्णा राव को 1957 में पहली पीएचडी की डिग्री मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइब्रेरी मिसलेनी नामक पत्रिका का प्रकाशन कब किया गया था। लाइब्रेरी मिसलेनी नामक पत्रिका, पहले हम ये समझेंगे कि पत्रिका क्या होती है, पहले हम ये तो समझें पत्रिका, न्यूज़पेपर, मैगजीन, डिफरेंस क्या है इन सब में। न्यूज़पेपर तो क्या होता है कि हमारा डेली निकलता है, पत्रिका क्या होती है, पत्रिका क्या होती है, या तो हमारी 15 दिन में निकलेगी एक बार, या हमारी 1 मंथ में एक बार निकलेगी, 1 महीने में एक बार, या हमारी 2 महीने में एक बार, या 3 महीने में, या 6 महीने में। ये फ्रिक्वेंटली नहीं निकलती है कि डेली निकल रही है या दो दो तीन तीन साल में निकल रही है, वो कोई पत्रिका नहीं होती। डेली निकलने वाला तो न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन जरूर आप बोल सकते हो कि वो 2-3 साल में निकले, कोई बुक है उसका नया एडिशन 2-3 साल बाद आए, पर पत्रिका हमेशा या तो 15 दिन में, 1 महीने में, 2, 3, 6 महीने में निकलती है। तो सबसे पहली पत्रिका कौन सी थी, लाइब्रेरी मिसलेनी। देखिए क्वेश्चन में क्वेश्चन बनाइए, इस पेपर में टोटल 50 क्वेश्चन है, बट मैं आपसे गारंटी देती हूँ, मैं आप लोगों को प्रॉमिस करती हूँ कि यहाँ से सिर्फ आप 50 क्वेश्चन ही लेके जाएंगे, मेरे थ्रू आप 150 क्वेश्चन लेके जाएंगे। मैं क्वेश्चन के अंदर ही क्वेश्चन बना के आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग उन्हें बस लिखते जाइए ताकि आप लोगों को बाद में एग्जाम टाइम में शॉर्ट नोट्स बन पाएंगे आपके और रिविजन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या बन रहा है कि सबसे पहली पत्रिका कौन सी आई थी, लाइब्रेरी मिसलेनी। क्वेश्चन क्या था, लाइब्रेरी मिसलेनी नामक पत्रिका का प्रकाशन कब किया गया था। पहली पत्रिका थी लाइब्रेरी मिसलेनी, क्या थी ये, त्रैमासिक थी, क्या थी ये, 3 महीने में एक बार आने वाली पत्रिका थी, ये त्रैमासिक पत्रिका थी। कहाँ से आई थी, बड़ौदा राज्य से, और इसके संपादक कौन थे, डब्ल्यू ए बोर्डन। बड़ौदा राज्य से आई थी और संपादक कौन थे, डब्ल्यू ए बोर्डन। ठीक है, और पहली पत्रिका कौन सी है, लाइब्रेरी मिसलेनी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका ये आई थी, क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन तो भूल ही गए हम, क्वेश्चन था कि लाइब्रेरी मिसलेनी नामक पत्रिका का प्रकाशन कब किया गया था, और ये आई थी 1912 में। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी 1912, सबसे पहली पत्रिका लाइब्रेरी मिसलेनी, बड़ौदा राज्य में आई थी, डब्ल्यू ए बोर्डन के द्वारा आई थी, और प्रकाशन कब हुआ था, 1912 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोलीगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का प्रकाशन वर्ष क्या है। प्रोलीगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का प्रकाशन वर्ष क्या है। वर्ष देखने से पहले हम ये देखेंगे कि ये बुक किसने लिखी है, ये बुक लिखी है हमारे प्रिय डॉक्टर रंगनाथन जी ने। डॉक्टर रंगनाथन जी ने बहुत सारी बुक्स लिखी है, डॉक्टर रंगनाथन जी ने बहुत सारी बुक्स लिखी है, इनकी सारी बुक्स आपको याद करनी ही करनी है। आप लोग सब छोड़ दीजिए पर इनकी बुक्स जरूर याद कीजिएगा,
इनकी बुक्स में से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि फलाना बुक किसने लिखी है, इस बुक का प्रकाशन किसने किया है, ये बुक कौन से ईयर में आई है। तो इनकी सारी बुक्स के नाम ईयर जरूर याद रखने हैं आपको। जितनी भी बुक्स है या तो हम प्रोवाइड करवा देंगे या डायरेक्ट गूगल पे डालेंगे, गूगल पे अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन था प्रोलिगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का प्रकाशन वर्ष क्या है। प्रोलिगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का प्रकाशन वर्ष है 1937 में ये बुक आई थी। चलिए इसके ऑप्शन पे नजर डालते हैं एक बार। 1938 में आई थी थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग ये भी रंगनाथन जी की ही बुक थी। नेक्स्ट आई थी 1945 में आई थी एलिमेंट ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, एलिमेंट ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका 1952, इसमें आई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसमें आई थी लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन, लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन, ठीक है। देखिए दोबारा से लिख लीजिए आप लोग, हाँ लिख लीजिए, ठीक है। 1937 में कौन सी आई थी, प्रोलिगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। 1938 में कौन सी आई थी, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। 1945 में आई थी एलिमेंट ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, एलिमेंट ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। और 1952 सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें आई थी लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन, लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ए 1937। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक एन ऑटोग्राफी ऑफ रंगनाथन के लेखक कौन है। ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक एन ऑटोग्राफी ऑफ रंगनाथन के लेखक कौन है। ए रंगनाथन, बी पी एन कोला, सी बी एस केशवन, डी आई इल्ला होगा आई थिंक, ये आस इल्ला नहीं है। चलो देखते, बुक का नाम है ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक एन ऑटोग्राफी और रंगनाथन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि हमें याद हो, पर हमें अटेम्प्ट करना है, तो हम अपने कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। अगर रंगनाथन जी की ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी, तो रंगनाथन जी खुद तो नहीं लिखेंगे ना उस चीज़ को। मेरी ऑटोबायोग्राफी तो मैं थोड़ी ना लिखूंगी, कोई और लिखेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही क्रॉस हो चुका, रंगनाथन जी तो हमने वैसे ही क्रॉस कर दिया। बी पी एन कोला, बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा, बी पी एन कोला, पी एन कोला जी इसके आंसर है हमारे, ठीक है। अब इनके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। पी एन कोला जी बहुत ही अच्छे हमारे महान पुरुष रहे हैं। इन्होंने अपनी हायर एजुकेशन बी एच यू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से की थी, वहीं फिर ये लाइब्रेरियन बन गए और अपनी ही प्रतिभाओं की वजह से वहाँ पे ये डिप्टी लाइब्रेरियन के पद पर बैठ गए जाके, ठीक है। इन्होंने अब तक कम से कम बहुत सारी बुक्स लिखी है, 60 बुक्स लिखी है, मतलब 60 से ज़्यादा भी हो सकती है, पर मुझे 60 ही मिली है अब तक। आगे और सर्च करके मैं आपको बता दूंगी। बाकी इनमें से एक बुक थी ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ रंगनाथन, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, रंगनाथन जी की तरह ही इन्हें भी 2004 में पद्मश्री मिला है। हमारे रंगनाथन जी को भी पद्मश्री मिला हुआ है और पी एन कोला जी को भी 2004 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और एक प्रतिष्ठित पत्रिका आती है ग्रंथालय विज्ञान, कौन सी पत्रिका आती है, ग्रंथालय विज्ञान, जो इस टाइम जयपुर से प्रकाशित होती है, जिसके संपादक कौन है, जिसके संपादक हैं सूद सर, जिसके संपादक कौन है सूद सर, और प्रकाशक हैं कोला फाउंडेशन, पी एन कोला जी। इन्हें 2004 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। एक ग्रंथालय विज्ञान नामक पत्रिका आती है जो जयपुर से प्रकाशित होती है, संपादक हैं सूद सर और प्रकाशक हैं कोला फाउंडेशन। तो क्वेश्चन आ सकता है, ग्रंथालय विज्ञान के प्रकाशक कौन है, ग्रंथालय विज्ञान के संपादक कौन है, इनमें से पद्मश्री अवार्ड किसे मिला है, जिसके अंदर पी एन कोला जी का नाम होगा, और आप फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए टिक कर देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया पी एन कोला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेडलर कमीशन का स्थापना वर्ष क्या है। सेडलर कमीशन, सेडलर कमीशन का स्थापना वर्ष जानने से पहले हम ये जानते हैं कि सेडलर कमीशन आया क्यों, क्या जरूरत पड़ गई जो सेडलर कमीशन को लाना पड़ा। डॉक्टर एम ई सेडलर थे, कौन था, डॉक्टर एम ई सेडलर, डॉक्टर एम ई सेडलर,
ये कलकत्ता विश्वविद्यालय में थे, इन्होंने देखा कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। इन्होंने डिसाइड किया कि मेरे को इन समस्याओं को समाधान करना ही करना है। तो इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के समाधान के लिए कमीशन बनाया, उसका नाम था सेडलर कमीशन, जो कब आया था 1917 में।